शेख, मेरा सवाल ये है कि नमाज से रिलेटेड है। वो नमाज जब इमाम पढ़ाते हैं, जब वो जी बहुत सारी सूरत ऐसी है या फिर बहुत सारी आयत ऐसी है, जब वो रुकते हैं रुकू पे चाहे ख़त्म करते हैं, पीछे से मुक्तदी लोग पता नहीं क्या पढ़ते हैं, कहीं कभी सुबहान अल्लाह या फिर कभी बहुत सारी चीज़ ऐसे पढ़ देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर सूरह आला पढ़ते हैं, जैसे बोलते हैं वो पहली आयत जी पढ़ते हैं तो पीछे से सब लोग बोलते हैं सुबहान अल्लाह, या फिर वो सूरह बकरा ख़त्म करते हैं या फिर सूरह तीन ख़त्म करते हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं। तो ठीक है, ये आयतों का जवाब देना है। जी 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 तो ये तो क्या है सर? देखिए, आयतों के जवाब देने के सिलसिले में उलमा के दरमियान इख्तिलाफ है। इस सिलसिले में कुछ रिवायतें साबित भी हैं, लेकिन फर्ज जो नमाजें हैं उनमें कोई रिवायत साबित नहीं है। फर्ज नमाजों में जवाब आयतों का जवाब देने के सिलसिले में कोई रिवायत साबित नहीं है। अलबत्ता रात की नफिल नमाजों में साबित है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है कि जब आप किसी रहमत की आयत से गुजरते तो अल्लाह की रहमत तलब करते, किसी अजाब की आयत से गुजरते तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से पनाह तलब करते। अलबत्ता फर्ज नमाज के सिलसिले में कोई ऐसी रिवायत साबित नहीं है जवाब देने के बारे में।